दोस्तों आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रघुराम राजन के उस बयान का जिक्र करेंगे जिससे कि पूरी सरकार में खलबली मची हुई है और पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर रघुराम राजन ने चिप इंडस्ट्री के खिलाफ आखिर मोर्चा क्यों खोला है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजन जो है वो चिप निर्माण के खिलाफ आखिर है क्यों, क्या वो मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्या वो शुद्ध अर्थशास्त्र की बात करते हैं या उनकी मंशा कुछ और है, क्या वो राजनीति का खेल कर रहे हैं, क्या वो चिप निर्माण लॉबी के हाथ में खेल रहे हैं या फिर वह कांग्रेस के नैरेटिव को सेट करने में लगे। यह कुछ अहम सवाल है जो आम दर्शकों को आम जनता को जानने की इच्छा है और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है वह ये समझना चाहते हैं कि चिप इंडस्ट्री का भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, सरकार पे आर्थिक कितना बोझ पड़ेगा और क्या इस आर्थिक बोझ को वहन करने में भारत की अर्थव्यवस्था अभी संभव है या प्रायोरिटी किसी और सेक्टर को दी जाए। या कोई एक आम व्यक्ति नहीं है जिसने की कुछ भी बोल दिया हो, यह श्री रघुराम राजन है जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं और मोदी सरकार में भी यह काम कर चुके हैं। जब डिफरेंसेस पैदा हुआ तो यह छूट करके फिर से शिकागो यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर चले गए। ये फाइनेंस के दुनिया के जाने माने वेताओं में से क्या रघुराम राजन जो है वो भारत विरोधी है या वह एक कट्टर भारतीय है, इसे भी समझने की जरूरत है या इनकी कुछ और मंशा है। खुद भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें की भारत में हो रही गलतियों का अफसोस होता है और सरकार को ये फॉरवर्ड करते हैं ताकि देश अपनी समुचित दिशा में जा सके, इसे हम जानने की कोशिश करें। क्या वो मोदी के प्रदर्शन से ईर्ष्या कर रहे हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए या कांग्रेस के पूर्वी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वह बिहेव करना शुरू करते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक की राय बताए कहीं सरकार बन गई, हालांकि ऐसी संभावना नहीं है, तो उस सरकार के वो फाइनेंस मिनिस्टर बनकर के एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी को देश के सामने रख रहे हैं। चिप निर्माण किस तरह का अपने देश में अभी शुरू हो रहा है और इस इकोसिस्टम को डेवलप होने में कितना समय लगेगा और इस इकोसिस्टम के डेवलप होने के बाद इस मार्केट की कैसी एक संभावना है और क्या हम चीन के या ताइवान के सचमुच में अल्टरनेटिव बन पाएंगे या वो हमसे बाजी मार जाएंगे और क्या हमें आने वाले समय में दूसरे देशों से इस इंडस्ट्री में चैलेंज नहीं मिलेगी, यह भी हमें सोचने की जरूरत। तो क्या इतने बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है यह हमारा बेकार चला जाएगा या इसके कुछ दूरगामी फायदे हो सकते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। और क्या शिक्षा बजट जिसके ओर भी उसने किया इतना होगा उसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए या नहीं, या रघुराम राजन के एक एंटी व्यक्ति समझ करके उसके पॉलिसी को नकार दें। क्या वह कांग्रेस के लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में कांग्रेस एक अल्टरनेटिव पॉलिसी देश के सामने रख पाए, या वह एक डेवलप्ड इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनके यार्डस्टिक यानी उनके क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए उसको वो समझते हैं और उस पैरामीटर को सेट करने में अर्थव्यवस्था का क्या रोल होना चाहिए, सरकार का क्या रोल होना चाहिए और पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए कि वह एक ट्रेजेक्टरी जो डेवलप्ड नेशन बनने की ट्रेजेक्टरी बनती है उस दिशा में एक स्टेप बाय स्टेप कदम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह एक और चीज समझने की जरूरत जिसे आप मोदी सरकार समझते हैं, मोदी अर्थव्यवस्था को कितना समझते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ही इज जस्ट टास्क पार्टनर फॉर द गवर्नमेंट जिसे भी गवर्नमेंट ही इज एडेड एंड एडवाइज्ड बाय एन नंबर ऑफ टॉप इकोनॉमिस्ट। दुनिया के जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जो कि राजन से भी कहीं ऊंचे व्यक्ति हैं और राजन से बराबर भी हैं और राजन को भी आप उन व्यवस्थाओं का ही हिस्सा मान लीजिए उनके द्वारा एडेड और एडवाइज्ड। इसका मतलब प्रधानमंत्री का कोई भी निर्णय जो होता है अर्थव्यवस्था से वह उन आर्थिक सलाहों के आधार पर होता है, वह तो एक प्रोडक्ट की तरह सामने आते हैं क्योंकि वो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी जिम्मेवारी लेते हैं क्योंकि इट्स पॉलिटिक्स ऑल द पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन बाय ब्यूरोक्रेट्स इकोनॉमिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स। तो और उसको उनका काम है सिर्फ उस पॉलिसी को पब्लिक में ले जा करके बेच करके उनको सेल करके और फिर अपने ये वोट को इकट्ठा। हाँ ये बात जरूर है कि he is driving from the front, किसी पॉलिसी को वो नकार सकते हैं, किसी सलाह को वो रिजेक्ट कर सकते हैं because he is prime minister of this, लेकिन ऐसा अंधेरा होता नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है तो हाँ कभी कभी आपको बेवकूफ भी बनाया जाए, लेकिन अभी जिस तरह के राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोगों का जमावड़ा है वहाँ पे सरकार को बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है या नहीं इसे भी समझने की जरूरत है।
सेक्टर या कोई आम सरकार नहीं है, अभी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इस सरकार में बैठे। तो हम इसको पूरी तरीके से समझते हैं कि चिप इंडस्ट्री में कितने खर्च आएंगे, कितना बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जो इस तरह की पॉलिसी मोदी ने बनाया, क्या किसी विदेशी दबाव में बनाया या भारत के फ्यूचर को रख करके ध्यान में बनाया, क्या इतने बिलियन हमें उनको सब्सिडाइज करने की हमारी इकोनॉमी अभी सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या किसी दूसरे काम को प्राथमिकता देना चाहिए, या हम समझने की कोशिश। आखिर रघुराम राजन ने कहा क्या, इसे सबसे पहले समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक बजट की तुलना में चिप निर्माण के लिए सब्सिडी पर अधिक खर्च करने की भारत की नीति ठीक नहीं है, यह निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बनने का तरीका नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि राजन ने सीधा कटाक्ष किया है कि आपकी जो ये पॉलिसी है, यह पॉलिसी एक प्रॉपरली प्लान्ड है, एक कंसीप्ट है, एंड इट इज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ अ डेवलपिंग नेशन, क्योंकि अभी हम डेवलप कंट्री नहीं बने हैं जहाँ की हमारे पास इतनी आर्थिक क्षमताएं हो कि हम बड़े से बड़े काम के ऊपर पैसा लगा दें, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो। ऐसी स्थिति अभी भारत की नहीं है। तो यह मोदी सरकार पे ठीक इलेक्शन से पहले किया हुआ पिन पॉइंटेड कमेंट है और एक ऐसा कटाक्ष है जिसका रिपल इफेक्ट पूरे देश में होना तय। तो अब हम जरा इनकी पूरी परत दर परत समझने की कोशिश करें।